मोहम्मद ज़ीशान अयूब। ज़ीशान अयूब का जन्म 17 अप्रैल 1983 को दिल्ली के ओखला में हुआ था। उनके पिता गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे और साथ ही शौकिया तौर पर थिएटर भी किया करते थे। तीनों भाई बहनों में ज़ीशान अपने घर में सबसे छोटे थे। उनसे बड़ी बहन है और बहन से बड़े हैं उनके एक और भाई। ज़ीशान शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। स्कूलिंग के बाद वे इंजीनियर बनना चाहते थे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग उनकी पहली पसंद थी, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन न मिलने की वजह से इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से बीएससी में एडमिशन ले लिया, जिससे अगले साल और अच्छी तैयारी के साथ इंजीनियरिंग का एग्जाम फाइट कर सके। कोई नहीं जानता था कि ज़ीशान ने यहाँ अच्छी तैयारी के लिए एडमिशन लिया था या नियति उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। किरोड़ीमल कॉलेज के ड्रामेटिक सोसाइटी, जिसका नाम प्लेयर्स था, 15 दिनों की एक थिएटर वर्कशॉप आयोजित कर रही थी। ज़ीशान ने वो वर्कशॉप ज्वाइन कर ली और बने प्लेयर्स के नए सदस्य। ज़ीशान कहते हैं कि 15 दिन की उस वर्कशॉप ने तय करवा दिया कि उनके लिए इंजीनियरिंग सुटेबल है या एक्टिंग। अपने ग्रेजुएशन के दौरान ज़ीशान ने जमकर थिएटर किया। हालांकि शुरुआती 2 साल घर वालों की तरफ से विरोध होता रहा, लेकिन ज़ीशान ने थिएटर नहीं छोड़ा। ग्रेजुएट होने के बाद ज़ीशान ने पहली बार NSD का एग्जाम दिया। वो सफल नहीं हो सके। पिता के कहने पर ज़ीशान लग गए सब कुछ छोड़ छाड़ के MSc मैथमेटिक्स की तैयारी में। एक दिन अचानक एक डाक ज़ीशान के घर पहुंची। खोलकर देखा तो वो NSD का कॉल लेटर था, जबकि ज़ीशान ने फॉर्म तो भरा ही नहीं था। ज़ीशान बहुत शॉक्ड हुए, लेकिन असल वाक्या कुछ यूं था कि ज़ीशान NSD में एडमिशन के दूसरे प्रयास के लिए राजी नहीं थे, तो उनके एक सीनियर अमितेश ग्रोवर ने उसका NSD का एडमिशन फॉर्म बिना उसे बताए भर दिया था। जब कॉल लेटर आ ही गया था तो ज़ीशान फिर जुट गए अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में। फाइनली रिजल्ट आ गया और ज़ीशान 2004 में NSD में सिलेक्ट हो गए। इस वक्त ज़ीशान के पिता बहुत खुश थे। ज़ीशान ने बहुत मन लगाकर थिएटर की बारीकियों को सीखा। NSD में ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात रसिका अगाशे से हुई, जो उनसे 1 साल सीनियर थी, और देखते ही देखते ये मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्रणय सूत्र में बदल गई। जी हाँ, 12 सितंबर 2007 को रसिका और ज़ीशान का विवाह हो गया। ज़ीशान 2007 में NSD पास आउट हुए, जबकि रसिका 2006 में ही पास हो गई थी। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी दिल्ली में रहकर ही थिएटर टीचर बन गए। NSD से निकलने के बाद कभी भी उनका प्लान बॉलीवुड में आने का नहीं था। ज़ीशान बताते हैं कि उनका चयन न्यूयॉर्क के किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में बतौर एक्टिंग टीचर हो गया था, क्योंकि ज़ीशान की न्यूयॉर्क फ्लाइट मुंबई से थी, तो उन्हें अपनी मराठी पत्नी को मुंबई में सेटल भी करना था, तो इसीलिए ज़ीशान दिसंबर 2009 में मुंबई पहुंच गए। उसी समय नो वन किल्ड जेसिका की कास्टिंग चल रही थी। अपने फ्रेंड के कहने पर वो कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी से मिलने पहुंच गए। गौतम ने यूं ही मजाक में उनका ऑडिशन ले लिया। इत्तेफाक से हुआ यूं कि उधर तो ज़ीशान का न्यूयॉर्क जाना पोस्टपोन हुआ और इधर वो नो वन किल्ड जेसिका के लिए फाइनल भी हो गए, जिनमें उन्हें नेगेटिव रोल मिला। परफॉर्मेंस के लेवल का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस रोल के उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद ज़ीशान ने मुंबई को ही अपना घर बनाया, काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद ज़ीशान को मिली निर्देशक अली अब्बास जफर की फिल्म मसाला मूवी मेरे ब्रदर की दुल्हन। फिर ज़ीशान ने जो फिल्म की उसमें खुद के अभिनय की एक अलग छाप छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने जन्नत 2, रांझना, शाहिद, तनुवेत्स मनु रिटर्न्स, समीर, ट्यूबलाइट, आर्टिकल 15 आदि फिल्मों में अपने अभिनय से एक अलग मुकाम बनाया। उनकी हालिया रिलीज फिल्म मिशन मंगल है, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया। ज़ीशान की आने वाली फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता की तुर्रम खान है, जिसमें वो राजकुमार राव के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। अभी ज़ीशान पत्नी रसिका और बेटी राही के साथ मुंबई में रहते हैं और अपने पत्नी के थिएटर ग्रुप बीइंग एसोसिएशन के साथ समय समय पर थिएटर भी करते रहते हैं। स्पेशल फैक्ट की तरफ जाएंगे तो ज़ीशान NSD पास आउट होने से पहले मुंबई एक्टर बनने गए थे, लेकिन फिल्म अक्स में मनोज वाजपेयी की एक्टिंग देखने के बाद वे ये सोचकर वापस आ गए कि ऐसी होती है एक्टिंग, तो भैया हमसे ना हो पाएगी, और दिल्ली जाकर अपनी MSc की पढ़ाई में लग गए। इस वीडियो के स्क्रिप्ट राइटर दीपक शर्मा यानी कि बदनाम डी स्पेशल थैंक देना चाहेंगे शुभम बागड़ी का, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई।